बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मंत्री जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? कितना को राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक, उनका अधिकार समाहित है इस बजट में। हर वर्ग के लोगों को, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, छात्र हों, आप लोग देखा किसानों के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। 2 लाख तक के ऋण माफ़ करने का निर्णय 50,000 पहले कर रहे थे, और NPA खाते के भी ऋण माफ़ करने का निर्णय लिया गया है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हर एक विभाग, चाहे वो हमारा सड़क निर्माण, पथ निर्माण विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, सभी विभागों में प्रावधान, अच्छे प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, आपने अबुआ आवास की जो योजना है उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। तो हम लोग अंतिम पंक्ति को लक्ष्य करके हमारा सारा बजट रहा है, और बहुत उसके फायदे हुए हैं। और ये जो आज जो बजट पेश किया गया वो भी सीधे अंतिम पंक्ति के लोगों को इसका लाभ मिला। बोल रहा है कि खर्च होता नहीं, बजट का आकार बढ़ते जा रहा है। कल बात करने के लिए उन्हें रहना चाहिए, चर्चा करने के लिए। वो तो आते हैं और अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करके और वॉकआउट कर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि पूरे बजट के का जो बहस होगी और इस पर जो माननीय मंत्री का वक्तव्य होगा, पूरी तरह से सदन में समय दें, इन्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। TheFollowUp.in